उसमें क्या करते हैं, किसी डेफिनेट नंबर को यहाँ ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमें नेक्स्ट वन मिलते चले जाते हैं, ऐसे मिलेगा कंसेक्यूटिव जो भी टर्म्स होंगे मिलेगा। जीपी में क्या करना होता है कि फर्स्ट टर्म में किसी एक डेफिनेट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमारा ए है और कॉमन रेशियो या वो डेफिनेट नंबर क्या है आर है, तो आर से मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो ए भी हमने आर से मल्टीप्लाई किया ए आर हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नेक्स्ट मिल जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन किया है, कभी कभी उसी डेफिनेट नंबर को डिवाइड करके भी नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ए है आर से डिवाइड करेंगे ए अपॉन आर, फिर आर से डिवाइड करेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, अगेन आर से डिवाइड करेंगे ए अपॉन आर क्यूब एंड सो ऑन चलता रहेगा। जब हम एरर टर्म की बात करते हैं तो मुझे इसके पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ ए है ये फर्स्ट टर्म है, ए आर सेकेंड टर्म है, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म है, ए आर क्यूब यहाँ फोर्थ टर्म है। जब ये फोर्थ टर्म है तो आर की पावर क्या है थ्री है, जब ये क्या है थर्ड टर्म है तो आर की पावर क्या है टू है। इसका मतलब जब हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं तो आर की पावर उससे एक क्या है नंबर ऑफ टर्म से एक कम है। जो मैं एन टर्म की बात करूंगा तो आर की पावर क्या होगा एन माइनस वन, एन से एक कम क्या होगा एन माइनस वन होगा। इसी तरह से इसको लिख लीजिए आर क्या होता है इसमें कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो को हमेशा कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म अपॉन क्या क्या होगा प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म जो होगा। इसको अगर हम फॉर्मूले करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे टी एम प्लस वन अपॉन टी एन, इसको टी एन अपॉन टी एन माइनस वन भी लिख सकते थे लेकिन ये कॉन्सेप्ट चलिए अपने आप में थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। कैसे, अगर इसको मैंने टी एन अपॉन टी एन माइनस वन किया होता तो जब मैं फर्स्ट टर्म की बात करता तो यहाँ टी एन माइनस वन आपने अगर किया है तो वन माइनस वन जीरो, टी जीरो टी जीरो का मतलब क्या जीरो टर्म को कहेगी। जब भी आप बात करेंगे फर्स्ट टर्म से बात करेंगे तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे एन प्लस वन अपॉन एन लिखेंगे। अब एन के बेस पर अगर मैं ग्राउंड रखूंगा तो ये टी टू अपॉन क्या हो जाएगा टी वन हो जाएगा, एन के प्लेस में टू रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा टी थ्री अपॉन टी टू हो जाएगा, एन के प्लेस में थ्री रखेंगे क्या हो जाएगा टी फोर अपॉन टी थ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है हमेशा कैसे निकलेगा नेक्स्ट टर्म में उसको हम क्या करेंगे प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा। इसको कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं क्योंकि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए जब भी हम रेशियो निकालेंगे तो यही आएगा सेम, हर एक के लिए कॉमन होगा इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो एनएस टर्म का जो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एनएस टर्म का जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा उसको हम देख लेंगे। एनएस टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा इसमें होगा आपका एनएस टर्म ठीक है, एनएस टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा इसमें हो जाएगा एनएस टर्म या लास्ट टर्म होगा ए एन या टी एन, टी एन इक्वल टू क्या होगा ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखते हैं इसकी हमें जरूरत भी पड़ेगी और फॉर्मूले इसको भी यूज करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका जीपी का। तो एनएस टर्म या लास्ट टर्म इसको ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन से भी रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ये एनएस टर्म का फॉर्मूला है। ठीक, या लास्ट टर्म भी इसी फॉर्मूले को फिर सेकेंड में देखते हैं थोड़ा सा। अगर हमें जीपी में कोई टर्म्स कंसीडर करने होंगे जिस तरह से हमने एपी में बात की थी कि एपी में अगर हमें कोई थ्री टर्म्स कंसीडर करने होंगे, कोई फोर टर्म्स कंसीडर करने होंगे या कोई जनरल फाइव टर्म्स कंसीडर करने होंगे तो किस तरह से कंसीडर करेंगे उसकी बात करते हैं। इसी तरह से जीपी में अगर हमें कोई जनरल टर्म्स कंसीडर करने होंगे तो कैसे कंसीडर करेंगे हम उसकी बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, लीडिंग टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो है। तो एनी थ्री टर्म्स हमें कंसीडर करना होगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर, ये हो जाएगा ए आर। जैसे एपी में क्या था ए माइनस डी ए ए प्लस डी, तो वो जो वहाँ पर माइनस डी था यहाँ पर ए आर था, उसके माइनस का मतलब यहाँ डिवीजन से, उसके प्लस का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन से। वहाँ डी कॉमन डिफरेंस होता था एड सबट्रैक्ट करके मिलता था, यहाँ आर कॉमन रेशियो है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मिलेगा। तो वहाँ उसके नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ इसके डिवीजन से, वहाँ उसके पॉजिटिव साइन का मतलब यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, बाकी जो वहाँ डी का कोएफिशिएंट होगा वही आर की यहाँ पर क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी। जैसे आप समझिए जैसे एनी फोर टर्म्स देखेंगे तो वहाँ ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी था, ए माइनस थ्री डी यहाँ माइनस का मतलब क्या कहा डिवीजन होगा, जो वहाँ डी का कोएफिशिएंट होगा वही यहाँ आर की पावर होगा तो ए आर क्यूब हो जाएगा। वहाँ ए माइनस डी था यहाँ ए अपॉन आर हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया इसी तरह से, ये पैटर्न इसी तरह से चल रहा है, ये समझने की जरूरत है।
और वहां क्या है, ऐड सबट्रैक्ट करके हम एक भी बनाते थे, यहां पर क्या करते थे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बनाएंगे, इस तरह से इसका पैटर्न चल रहा है। इसलिए ये r बना तो क्योंकि वहां पर a + b था, ar क्यूब क्योंकि वहां पर a + 3 b था। इसी तरह से कोई 5 टर्म्स में कंसीडर करना होगा, हम क्या करेंगे, a / a² a / a1 r a ar ar² ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की, बात करेंगे gp में अगर n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, sn = a r / n - 1 / r - 1, ये फार्मूला तब यूज करता है जब r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। सेकंड फार्मूला इसी का एक सेकंड फॉर्मेट है, a 1 r / n / 1 - r पर जब r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और an हो जाएगा जब r की वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है आपको। अब कभी कभी लास्ट टर्म फाइंड कर दिया है आपको, लास्ट टर्म के फॉर्म में इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं हम। जैसे लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, लेकिन भी फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, ऐसे निकल क्या हो जाएगा, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन, तब जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, या ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, तब जब आर की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी। एंड लास्ट में क्या है, ए एन हो जाएगा तब जब आर की वैल्यू इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से बात करते हैं और टेक्निक्स में क्या क्या है। ठीक है, रिमार्क कुछ बात फाइंड करनी है कि अगर ए बी सी कोई तीन टर्म जी पी में है, ए बी सी कोई तीन टर्म अगर जी पी में है तो बी को ए से डिवाइड करने पे वही नंबर वही रेशियो मिलेगा जो आपको सी से बी से डिवाइड सी से सी को बी से डिवाइड करने पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि रेशियो यहाँ सेम आएगा ना, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट टर्म में मिल रहा है, तो जब नेक्स्ट को हम प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो वही डेफिनेट नंबर ही तो निकलेगा, इसलिए बी को ए से डिवाइड करने पे वही आएगा जो सी को बी से डिवाइड करने पे मिलेगा। तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को बी से इंटू करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, ए को सी से इंटू करेंगे तो ए सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई तीन टर्म्स जी पी में है तो बी का स्क्वायर एक स्ट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए सी हो गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो बी इक्वल टू रूट में ए सी आ जाएगा। इसी को सेकेंड जनरल वे में हम समझते हैं कि बी जो हो गया ए और सी का क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन होगा। अभी हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब देखिए कोई भी टर्म्स मिलेंगे इसी तरह से, जैसे मान लीजिए आपका कुछ कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए जीपी को कुछ टर्म्स हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2 4 और यहां हमने लिख दिया 8 लिख दिया 16 एंड सो ऑन, इस तरह के जीपी के कुछ टर्म्स। स्टार्टिंग अगर थ्री टर्म्स हमने कंसीडर किए तो मिड टर्म्स हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। हम मिड टर्म का स्क्वायर करेंगे एक्सट्रीम कौन से हो गया हमारे, 1 और 4 हो गए, एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 * 4 क्या होगा, 3 होगा। अगर यहाँ भी थ्री टर्म्स हमने कंसीडर किए होते मान लीजिए तो मिड टर्म हमारा क्या हो गया, 4 4 का स्क्वायर एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो गया, 2 है और 8 है, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 8 हो जाएगा क्या 16। हमेशा जब भी किसी हम जीपी की बात करेंगे तो मिड टर्म का स्क्वायर, कोई भी थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं तो मिड टर्म का स्क्वायर एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये बन जाता है हमारा कि अगर ए बी सी कोई तीन टर्म जीपी में होंगे तो बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू सी होगा, स्क्वायर रूट लेंगे इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। ये अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में एम ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो ए और बी के बीच में एम ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है, तो ए और बी के बीच में हमने क्या किया, एम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, इसी को हमें निकालना है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूंगा तो n ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, n तो यही टर्म्स हो गए और दो टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी है जिनके बीच में हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, एक टर्म a है, सेकंड टर्म क्या है आपका b है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करूंगा तो n ये हो गए, एक ये एक ये दो ये हो गया, तो n + 2 हो जाएगा। अब n टर्म का फार्मूला मैं यूज करूंगा, n टर्म का फार्मूला क्या था, tn = n टर्म का फार्मूला था tn = a r / n - 1। यहां जो हमारा लास्ट टर्म है इसी को मैं n टर्म मान लेते हैं b, तो n टर्म b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a r n माइनस 1 होता है, n के प्लेस में क्या रखेंगे यार, n + 2। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितने हो गए, n + 2, n + 2 माइनस 1 हो गया। अब a को हमने ट्रांसफर किया तो यहां आएगा, ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, b / a इक्वल टू r की पावर यहां n + 2 माइनस 1 करेंगे, n + 1 बचेगा। अब इस पावर को हम शिफ्ट करेंगे जब यहां को, तो b / a की पावर क्या हो जाएगा, 1 / n + 1 होगा। ये कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए x का क्यूब इक्वल टू क्या है आपका, 8 टू द पावर 6 है, x की वैल्यू को फाइंड करनी है तो 8 टू द पावर 6 यहां
इसकी पावर क्या हो जाएगा, इस पावर को हम यहां शिफ्ट करेंगे तो वहां जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। तो फाइनली ये सॉल्व करने में क्या आ गया, पावर का फॉर्मूला से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है a स्क्वायर आ जाएगा, ये मान लेते हैं। तो यहां r की पावर n + 1 है, जब इस पावर को हम यहां शिफ्ट करेंगे तो p / a की पावर क्या हो जाएगा, 1/(n+1) रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से अब इसे फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे, r आ गया तो इसी सब निकाल लेंगे। हम जानते हैं फर्स्ट टर्म में अगर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो g1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a * r हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव मीन की मैं बात करूंगा तो अगेन मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन r से मल्टीप्लाई करूंगा, या जो मैं g1 मिल गया इसी में r से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मैं नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, या मैं a r स्क्वायर करूं, a में r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो जो हमें इसके पहले जो डेरिवेटिव मीन मिला है g1 मिला है उसमें r से मल्टीप्लाई करें तो हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव मीन मिल जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो हमने ऐसे किया, दोनों तरह से हमने देख लिया इसको, सो g1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a * r हो जाएगा। जब मैं g2 की बात करूंगा तो a r स्क्वायर हो जाएगा, या फर्स्ट डेरिवेटिव मीन हमने क्या किया, r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड मिल जाएगा। अब इसी तरह से इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, जब मैं थर्ड डेरिवेटिव मीन की बात करूंगा तो a r क्यूब हो जाएगा, या जो सेकंड डेरिवेटिव मीन मिला इसे r में डिवाइड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव मीन मिल जाएगा। इसी पैटर्न को हमें फॉलो करते चलने हैं, जितने भी डेरिवेटिव मीन निकालने हैं उतने निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए g4 निकालना होता हमें तो g4 इक्वल टू क्या होता है, a r क्यूब / 4, या फिर हम क्या करते हैं जो थर्ड डेरिवेटिव मीन आया इसमें r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव मीन मिल जाएगा। तो इस तरह से पैटर्न को फॉलो करके हम सभी इसी क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतने कांसेप्ट को अपने माइंड में रखिए, फिर हम फर्दर बात करेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन कैसे। ओके, थैंक यू।